बहुत ही छोटा सा काउंटर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेल है यहाँ का। ये लोग सामने से मतलब रोटी बनाते हैं, दो या फिर जो भी उसका रोटी रहता है वो पहले से नहीं बना रहता है, यहाँ पे तुरंत बनता है और फिर यहाँ से तुरंत तवे पे जाता है। ये सारा भीड़ बस वेट कर रहे हैं ये लोग। इस साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं, ये लोग भी वेट कर रहे हैं। जो चिकन रोल बनता है उसके लिए यहाँ पर चिकन फ्राई किया जा रहा है। जैसे इसको बनाया जा रहा है ना, मतलब क्या ही कहना है, बहुत ही अल्टीमेट। तो ये देखिए, इस बड़े से तवे पे बनता है एग रोल और लगातार एक ही साथ में चार चार एग रोल बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है लुकिंग भाई, और भर भर के चिकन डाला गया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है ये, और देखिए साइज काफ़ी अच्छा है इसका। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी को एक और स्ट्रीट फूड खिलाने लाए हैं, और हम आज आए हैं बिग बाज़ार के पास, पुराने वाले बिग बाज़ार के पास। और अभी यहाँ पर रिसेंटली बना है रिलायंस स्मार्ट। ये देखिए, ये है रिलायंस स्मार्ट, और अभी हम लोग मेन रोड में है ओवरब्रिज के पास में। और यहाँ पे ये स्टॉल लगता है रोल पॉइंट सेंटर, और बहुत ही फेमस है यहाँ के एग रोल्स, चिकन रोल्स और भी बहुत टाइप के पनीर रोल्स बनते हैं, और मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब मैं इनका लोकेशन आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, हमारे जस्ट अपोजिट साइड में झाड़क्राफ्ट है, और इसके अपोजिट में ये रिलायंस स्मार्ट है, और इसी के नीचे में लगता है ये काउंटर। इवनिंग के टाइम में मैं आपको इनका काउंटर एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। बहुत ही छोटा सा काउंटर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेल है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। साइड में भी है, यहाँ पे ये लोग सामने से मतलब रोटी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहले का बना हुआ डो या फिर जो भी उसका रोटी रहता है वो पहले से नहीं बना रहता है, यहाँ पे तुरंत बनता है और फिर यहाँ से तुरंत तवे पे जाता है। तो इस टाइप का सीन है, कुछ भी पुराना नहीं रखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब गौर करते हैं हम लोग, और हर एक फूडी गौर करता है इन सब चीज़ों को कि अच्छा चीज़ मिल रहा है यानी। और ये देखिए, ये है इनका रेट लिस्ट, वेज रोल, एग रोल, चिकन रोल, हर टाइप का आपको रोल मिल जाएगा इसमें, और सारे की प्राइसिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए अब कुछ ऑर्डर करते हैं और करते हैं ट्राई, और बताते हैं आपको कि कैसा है ये टेस्ट वाइज। और ये देखिए यहाँ पे क्राउड कितना है, खुशबू भी वेट कर रही है, और काफ़ी क्राउड है। देखिए ये सारा भीड़ बस वेट कर रहे हैं ये लोग। इस साइड में भी कुछ लोग खड़े हैं, ये लोग भी वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ रहता है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है, और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए मिक्स रोल, इसमें एग और चिकन दोनों रहेगा, और मैंने अपने लिए एग रोल किया। तो चलिए अब उसका मेकिंग दिखाते हैं आपको, और फिर टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि टेस्ट वाइज कैसा है। तो ये देखिए, अब चिकन फ्राई हो रहा है, और सब कुछ बहुत ही बढ़िया से किया जाता है यहाँ पे, एकदम करेंटली किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले से बना के रखा हुआ हो, वो सब सीन नहीं है यहाँ पे, सब कुछ एकदम तुरंत बनाया जाता है और तुरंत सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी मुझे पर्सनली। ये देखिए, जो चिकन रोल बनता है उसके लिए यहाँ पे चिकन फ्राई किया जा रहा है, पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है इसको। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। ये देखिए, अब इसके ऊपर से चिली गया, ग्रीन चिली गया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका मेकिंग मुझे। उसके बाद शिमला मिर्च गया, और ऊपर से प्याज जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया से इसको बनाया जा रहा है। तो शायद टेस्ट भी कुछ बहुत ही बढ़िया ही होगा, क्योंकि जैसे इसको बनाया जा रहा है ना, मतलब क्या ही कहना है, बहुत ही अल्टीमेट। लेकिन इसका देख के तो बस मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से बन जाए और हम लोग टेस्ट करें और फिर आप सभी को बताएं कि कैसा है। और ये क्या गया भैया? अच्छा, ये हरा वाला प्याज गया, और लगभग ये रेडी हो गया है। हाँ, ये पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट से लगवाते हैं अपना रोल। तो ये देखिए, इस बड़े से तवे पे बनता है एग रोल, और लगातार एक ही साथ में चार चार एग रोल बन रहे हैं, और बहुत ही तेज़ी से भैया बना रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस है ना, क्या ही कहना है, वो दिख रहा है एक्सपीरियंस जब ये बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और ये चारों यहाँ से रेडी होने के बाद सीधे उधर साइड जाएगा, तो हम लोग चलेंगे जहाँ पर इसका स्टफिंग होगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। देखिए, अब हमारा जो भी ऑर्डर हमने किया है वो रेडी हो रहा है। एक तो खुशबू के लिए हमने ऑर्डर किया है डबल एग रोल, और मेरे लिए एग और चिकन मिक्स रोल है।
ये सबसे कॉर्नर वाला खुशबू का है। और ये देखिए ये एक चिकन रोल है, ये मेरे लिए है और वो किसी और कस्टमर के लिए है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है लुकिंग वाइज, और भर भर के चिकन डाला गया है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई भी कंजूसी नहीं की जा रही है, बहुत ही अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को, वेजीज को और चिकन को बहुत अच्छे से डाला जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है ये। और ये देखिए ऊपर से फिर ग्रीन चिली गया और अब इस पर लेमन जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और ये जा रहा है ग्रीन चिली सॉस, और उसके बाद ये है रेड चिली सॉस, और ये मेयोनीज जा रहा है सिर्फ एग रोल पे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अब ये रोल हो जाएगा और बस अब ये रेडी है खाने के लिए। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज ये कैसा है। तो ये देखिए अब हमारा एग रोल रेडी हो गया है, और ये है खुशबू का एग रोल जिसमें रेड चिली नहीं है, और लुकिंग वाइज तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मैं उसको दे के आता हूँ। तो ये देखिए खुशबू साइड में आराम से बैठ गई है, और रोल का साइज़ काफ़ी बड़ा है ना खुशबू, बहुत बड़ा है। तो चलिए अब मैं अपना लेके आता हूँ। ये देखिए मैंने अब अपना भी ले लिया है और मैंने रेड सॉस भी लिया है, और चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज ये कैसा है। तो चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है ये, और देखिए साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट। इसके साथ ग्रीन चटनी मिली है, रेड चटनी भी मिलती है, लेकिन मैंने रेड चटनी नहीं ली क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, आपको पता ही है मुझे मीठा नहीं पसंद है, बहुत कम पसंद करती हूँ मैं। तो अब टेस्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। जो टेस्ट है ना, मुझे लगता है इतना अच्छा टेस्ट कहीं भी मिलने वाला है, बहुत बढ़िया है। और भीड़ भी आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कंटिन्यू भीड़ है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए, कंटिन्यू भीड़ है भैया, फ्री भी नहीं हो पा रहे हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें मिला है ये, और टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है, तभी इतना भीड़ है, मज़ा आ गया खाकर। अब ये टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, चलिए उनसे पूछते हैं। तो चलिए अब मैं टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा, बहुत मतलब बढ़िया लग रहा है ये। लुकिंग वाइज तो मैंने आपको दिखाया कि कितना बढ़िया से बनाया गया है इसको, और इसमें जो रोटी यूज़ किया गया वो लच्छा पराठा वाला मतलब दो बना था, तो बहुत ही अलग टाइप का है। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, स्टफिंग एकदम बाहर तक किया हुआ है, चिकन दिख रहा है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ का मिक्स रोल कैसा है जिसमें एग और चिकन दोनों मिक्स है। और ये देखिए अब इसको चटनी में डिप करता हूँ, चलिए अब इसको टेस्ट करता हूँ। वाओ, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट टेस्ट है, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका। और ना एग जो है बहुत ही फ्लफी है, मतलब जो एग रोल बनाया है, जो उसका रोटी है उस पर एग है, तो बहुत ही फ्लफी है, इसीलिए इतना मोटा हो गया और इतना बड़ा है साइज़ वाइज भी। और चिकन का जो स्टफिंग है ना, बहुत ही बढ़िया है, कुछ तंदूरी टाइप का लग रहा है जो इसमें स्टफिंग किया गया है, चिकन एक अलग अरोमा है उसका, ज़्यादा सॉफ्ट भी है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में, एकदम बढ़िया लग रहा है कॉम्बिनेशन जो भी है एग और चिकन दोनों का, मज़ा आ गया। ये ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ का मिक्स रोल जिसमें चिकन और एग दोनों है, तो बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट टेस्ट है। अब चलिए इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और एक चीज़ रह गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है, प्राइस हमेशा से छूट जाता है और बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं जाके देख पाते हैं, तो मैं आप सभी को प्राइस बता देता हूँ। डबल एग रोल है उसका प्राइस 60 रुपीज़ है, और ये जो डबल एग चिकन रोल है इसका 90 रुपीज़ प्राइस है। तो प्राइसिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट और इतना बड़ा साइज़ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये टेस्ट और ये साइज़ इस प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला आपको, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब इसको फिनिश करते हैं। जैसे जैसे इवनिंग हो रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है भीड़,
तो हमने एग रोल खा लिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, है ना खुशबू? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। स्पेशली मुझे चिकन और एग वाला ज़्यादा बेस्ट लगा। हाँ, खुशबू ने मेरा वाला टेस्ट किया कि कैसा है आपका वाला, तो इसने बोला कि वही ज़्यादा बेस्ट है। एग रोल भी बहुत टेस्टी है ना खुशबू? हाँ, एग रोल भी बहुत अच्छा था, लेकिन ज़्यादा हाँ मिक्स वाला बेस्ट है। तो उसको आइए जब भी आप, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए मिक्स, उसमें एग और चिकन दोनों रहता है मिक्स रोल, उसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अल्टीमेट है। तो चलिए अब मिलते हैं शॉप के ऑनर से और लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको बताते हैं। तो अब हमारे साथ भैया है। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। विनय कुमार गुप्ता। विनय कुमार गुप्ता, तो भैया का नाम अभिनय है, बहुत ही बढ़िया एग रोल था भैया, सच में मतलब क्या ही कहना, हम लोग खाए मज़ा आ गया खा के। और अभिनय भैया कब से ये काउंटर है यहाँ पे? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया, अरे वाह, 15 साल से ये काउंटर है, इसलिए इतना पॉपुलर है और इतना टेस्टी यहाँ पे एग रोल और चिकन रोल बनता है। और क्या टाइमिंग है भैया यहाँ का? 2 से 10। अच्छा, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक। तो दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक आप सभी कभी भी आइए और यहाँ के चिकन रोल और एग रोल को टेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। और अभी ने भैया कोई वीकली ऑफ रहता है क्या? नहीं रहता है, है ना, रोज़ खुला रहता है, तो साल में 365 दिन खुला है। तो कभी भी आइए और टेस्ट कीजिए यहाँ का एग रोल और चिकन रोल, बहुत ही बढ़िया था। तो आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल खुशबू प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।